तो गाइस जैसा कि आप देख सकते हैं मैं मैकडी में आया हूँ। तो यहाँ पर क्या होता है कि बहुत सारे होमलेस लोग होते हैं और वो कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं। तो जैसा कि मैंने ऑर्डर दी थी और मैं वॉशरूम चला गया, तो मैं वॉशरूम के बाद आया तो मैंने काउंटर पे बात की कि मेरा ऑर्डर मैंने दिया हुआ था, तो लकीली मेरे पास रिसीट थी। तो मैंने उनको रिसीट दिखाई कि मैंने, तो उन्होंने बोला कि मैंने ऑर्डर काउंटर पर रखा हुआ था। तो शी वॉज लाइक कि आई हैव केप्ट द ऑर्डर ऑन द काउंटर एंड इट वॉज राइट हेयर। तो मैंने उनको बताया कि आई डेंट टुक द ऑर्डर। तो उसने फिर स्टोर में झांका तो उसने देखा कि एक होमलेस बंदा कोने में बैठ के खा रहा था। तो उसने देखा, उसने बोला कि आई थिंक द अदर गाय हैज़ टेकन योर ऑर्डर, सो आई एम सॉरी फॉर दैट एंड आई विल रीमेक योर ऑर्डर, बट आप अपने केस में ध्यान रखना, जस्ट इन केस कभी ऐसा ना हो कि आपने ऑर्डर दी और आपको मिला ही नहीं, बिकॉज दिस माइट बी अ केस। मुझे ऐसा फील हुआ कि शायद अगर मेरे पास रिसीट नहीं होती या फिर शायद पर्सन चेंज हो जाता अगर उसके शिफ्ट के बिना, तो इट वुड हैव बीन थोड़ा हार्ड फॉर मी टू एक्सप्लेन दैम। और लकीली उसके बाद मेरी ट्रेन है तो मैं प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में पड़ सकता था, बट सेम स्टाफ था और सेम पर्सन ने मुझे एस्कॉर्ट किया इस प्रॉब्लम के लिए, तो वो मेरे लिए ईजी था। आपके केस में थोड़ा ध्यान रखना, ये मेरे साथ हुआ था स्वीडन में, तो आप थोड़ा ध्यान रखना आपको। थैंक यू।